हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान का किचन। आज हम बनाने वाले हैं ईद स्पेशल दानेदार टेक्सचर वाली चावल की खीर, वो भी इतने आसान तरीके से कि जब आप देखेंगे तो कहेंगे कि पहले क्यों नहीं पता थी हमें खीर बनाने की इतनी आसान वाली रेसिपी। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी हम अपनी इंस्टेंट चावल की खीर बनाते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चावल को भिगो के रखना है। तो यहाँ पे मैंने ली हूँ 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल चावल। मैंने ये वाले चावल इसीलिए ली हूँ बिकॉज इससे खीर का एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे 200 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा है चावल। इन्हें हम अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। जब तक चावल को हमने सोक करने के लिए रखे हैं, उस बीच थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ते को गर्म पानी में भिगा के अच्छे से चॉप कर लें, बिल्कुल इस तरह, और इन्हें साइड में रख दें। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और चावल अच्छे से फूल भी चुके हैं। तो अब हम इसका पानी जो है जिसमें हमने चावल को भिगो के रखा था उसे निकाल देंगे और चावल को मिक्सी जार में डाल देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच पानी डालेंगे या फिर इतना पानी डालेंगे ताकि पानी चावल तक रहे, और इसे दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें एकदम स्मूथ नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रखना है ताकि जो हमारी खीर है उसका टेक्सचर जो है वो एकदम दानेदार बने। तो मैं आप लोगों को अपनी फिंगर पे लेके दिखाती हूँ कि मैंने इसे कितना दरदरा रखा है। आपको भी इतना ही इसे रखना है, इससे ज्यादा या कम नहीं रखना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और यहाँ पे मैंने 2 हरी इलायची को हमाम दस्ते में यानी कि मोर्टर एंड पेसल में कूट के इसका अच्छे से एक फाइन पाउडर बना ली हूँ। तो अब हमारी सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं। अब चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर फुल फैट रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध ली हूँ। हम इसे हाई फ्लेम पे हल्का गर्म कर लेंगे। जब मिल्क हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। मैंने 2 हरी इलायची का पाउडर बना ली थी हमाम दस्ते में कूट के। इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम से थोड़ी ज्यादा चीनी। मैंने चीनी और चावल सेम रेशियो में डाली हूँ, मतलब जितना चावल हमने यूज किया है उतना ही हमने चीनी यूज की है। आप चीनी की क्वांटिटी को कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतना मीठा कर लें, लेकिन चावल की क्वांटिटी को उतना ही रखें। चावल को कम या ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, वरना खीर आपकी अच्छी नहीं बनेगी। अब ऐसे ही चलाते रहना है ताकि चीनी फटाफट से मेल्ट हो जाए। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी और मिल्क में बॉईल आने ही वाला होगा, बस इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और चावल जो हमने पीसा था वो डाल देंगे। हमें धीरे धीरे इसे डालते जाना है और स्पैचुला को चलाते जाना है ताकि खीर हमारी जले ना और इसमें लम्स ना पड़े। और ध्यान रहे कि चावल जो हमने दरदरा पीसा था इसे हमें गर्म दूध में ही डालना है। अगर हम ठंडे दूध में डालेंगे तो फिर खीर में लम्स पड़ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिक्सी जार में थोड़ा सा चावल नीचे बचा हुआ है, तो हम इसे साफ करने के लिए जार में पहले 50 ml दूध डाल के इसे साफ कर लेंगे और फिर इसे खीर में डाल देंगे। और एक बार फिर 50 ml दूध और डाल के जार में जो भी चावल लगा है इसे अच्छे से साफ करके खीर में डाल देंगे। तो हमने टोटल 600 ml दूध का इस्तेमाल किए हैं, 500 ml शुरुआत में और 100 ml अभी। हम सिर्फ दूध की ही खीर बना रहे हैं, इसलिए हमने जार साफ करने के लिए पानी का यूज नहीं किए हैं। अब हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें। चावल डालने के टाइम पे गैस की फ्लेम को हाई से मीडियम पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हमें इसे बिना रुके कंटिन्यूअसली चलाते जाना है और कुछ चॉप किए हुए नट्स डालना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चॉप किए हुए काजू, बादाम और पिस्ता ली हूँ, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो के स्टार्ट में दी थी, वो डाल देंगे अब हम यहाँ पे। आप अपने पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट में हमारी खीर गाढ़ी होना चालू हो गई है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल लम्स वगैरह कुछ नहीं है और एकदम दानेदार टेक्सचर वाली खीर हमारी बन रही है। अब देखिए मैं आपको गिरा के बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है 7 मिनट के बाद। देखा आप लोगों ने कैसी स्मूथ कंसिस्टेंसी की खीर बन के तैयार हो रही है हमारी। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमें फ्लेम तभी ऑफ कर देना है जब इसकी थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी रहेगी। इसे ज्यादा गाढ़ा अभी इसे नहीं कर देना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी होती है।
आपको भी अपनी गैस की फ्लेम को तभी ऑफ करना है जब आपकी खीर की कंसिस्टेंसी इस पॉइंट पे पहुंच जाए। देखिए स्पैचुला में आपको खीर का दानेदार टेक्सचर दिख रहा होगा, मैं पूरी वीडियो में इसी टेक्सचर की बात कर रही थी। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। लग रही है ना एकदम हलवाई जैसी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बारी आती है खीर को डेकोरेट करने की। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से नट्स, जिसमें मैंने ली हूँ काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी चिरौंजी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस पे थोड़े से अनार के दाने रख देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कभी कभी कर दिया करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गेस करके बताओ कि अगली वीडियो में कौन सी रेसिपी आने वाली है। अच्छा चलो एक हिंट है, अगली वीडियो जो होगी उसे खीर के साथ भी खाते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त होता है। गेस करो और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।